ठीक है, बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जिस वीडियो मटेरियल इसका डिटेल्स रिव्यू करेंगे और कैसे टाइम सेट करते हैं सब कुछ हम इस वीडियो में, उस वीडियो मटेरियल का डिटेल्स है सब कुछ हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द ऑल न्यू BS4 प्लाटिना 110 एच ईयर। अब इसके स्पीडियो मीटर में कंपनी ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है, देख सकते हैं। इसको पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। अब स्टार्ट करने से पहले देखिए, फुल स्वाइप लेता है। अब इसको रेटिंग दिया हुआ है 120 तक, मतलब मुझे लगता है ये जो बाइक है अभी इसका पावर टॉर्क इंक्रीज हो गया है, इस वजह से बाइक 100 तक इजीली जाएगा, मेरा ये दावा है। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी लाइटिंग है और इसमें भी ऑरेंज कलर का लाइट जल रहा है। अब इसमें क्या है, बाइक में आता है गियर पोजिशन इंडिकेटर, जो कि अभी बाइक है न्यूट्रल में है। पहले मैं इसको इसको एक डाउन करता हूँ, तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे चेंज होगा। आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर, जो कि यहाँ पे आपको शो करेगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपका हाई बीम, जो कि इस तरीके से शो करेगा। अब आते मैं आता हूँ इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर का। तो पहले मैं सेकेंड फर्स्ट गियर डालता हूँ, देख सकते हैं अभी पहला गियर मैंने डाला है। अब सेकेंड सेकेंड अभी मैंने इसको डाला है थर्ड, अभी मैंने इसको डाला है फोर्थ, और ये आपका आ गया हाईवे गियर। देख सकते हैं अभी बाइक हाईवे गियर में, तो दिस इज द फिफ्थ गियर, बजाज इसको हाई में गियर कह रहा है। अब इसमें टाइम सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको और एक बार दिखा रहा हूँ। मुझे ये जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा पसंद है, फुल स्वाइप लेता है सब कुछ, आपका लो बैटरी इंडिकेटर भी मिलेगा। अब इसमें बाइक तो DC है, तो इस हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको, देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 1:32, मतलब दोपहर 2:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 3:10 PM। तो इसमें देख सकते हैं आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें है AM, तो मुझे सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए आपको ट्रिप में है इसको जाना पड़ेगा ओडो में। ओडो में जाने के लिए सिंपली आपको इसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा, और AM नहीं, ओडो में चला गया इसको आपको। उसके ओडो में जाने के बाद इसको आपको 7 सेकेंड तक प्रेस करना पड़ेगा। तो हेयर इट्स नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देख सकते हैं ब्लिंक हो रहा है। सिंपली आपको करना एक करना है, 2, 3, और इसमें आपको AM है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 12 के पार करना पड़ेगा, तब ये PM हो जाएगा। ओके 1, ऐसे तो PM होगा, 2, 3। अभी सिंपल आपको छोड़ देना है, अभी ये वाला जीट जो है ब्लिंक करेगा, देख सकते हैं अभी ये ब्लिंक हो रहा है। अभी मुझे करना है 10, तो ओके 40, 57। ओके अभी मुझे 10 करना है, चलो 12 कर देते हैं, 12, 12 हो गया। अब देखते हैं अभी PM में ब्लिंक करेगा, अभी ये ब्लिंक कर रहा है, अभी इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी PM ब्लिंक कर रहा है। तो अभी देख सकते हैं टाइम सेट हो गया 3:12 PM। ऐसे आपको टाइम सेट करना है, मैंने आपको प्रॉपर डिटेल्स दे दिया है। सिंपली आपको ओडो में जाना पड़ेगा, जाने के बाद इसको 7 सेकंड तक प्रेस करेंगे, तब ये वाला हावर का ब्लिंक करेगा। उसके बाद क्या होगा, अभी इसको 1, 2, 3, 4 करके सेट कर सकते हैं। अभी अगर आप PM में हैं, 3 में हैं, तो आपको 12 के बाद करना पड़ेगा, तभी आपका PM आएगा। ऐसे आप सेट कर सकते हैं। उसमें आपको मिलता है गियर बॉक्स अंदर सर्विस रिमाइंडर, लो बैटरी, फ्यूल गेज, और इसमें ब्लिंक करेगा क्योंकि इसमें फ्यूल कम है। बैटरी लो बैटरी यहाँ पे दिखा देगा, एक बार मैं अब और एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लो बैटरी, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, न्यूट्रल, फ्यूल फ्यूल आपका लो फ्यूल इंडिकेटर, सब कुछ दिखाता है, और बैकलाइट बहुत अच्छा लग रहा है, नाइट में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो मैंने आपको मीटर का सारा डिटेल्स दिखा दिया है। इसका जो गियर साइज सर करता है यहाँ पे, टोटल स्पीड के ऊपर है। मैंने जब इसको टेस्ट किया था, RPM के ऊपर नहीं है ये सब का स्पीड का। अगर आप फास्ट गियर में 10 से ज़्यादा चलाते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के इंक्रीज़ करते हैं, तो आपके यहाँ पे सजेस्ट करेगा। और यहाँ पे 20 है, 20 है मतलब दो गियर तक ज़्यादा 20, और 20 से ऊपर शायद 50 तक जाता है या 40 तक जाता है थर्ड गियर, और फोर्थ गियर यहाँ से कुछ होगा। मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपका स्पीड के ऊपर सजेस्ट करता है, ना कि आपका RPM के ऊपर। अभी मैं फास्ट गियर पे हूँ, इसको मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते हैं अभी इसमें दिखाई दे रहा है कि आपका आप करिए, तो मैंने अभी दूसरा पे किया, आप देख सकते हैं अभी देख रहे हैं तीसरे पे कीजिए, तो अभी मैंने तीसरे पे कर दिया है। मैं आपको एक बार चला गया दिखा देता हूँ, अभी इसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें कोई भी एरो नहीं दिखा रहे, ठीक है, तो अभी देख सकते हैं मैं इसको अगर इंक्रीज करता हूँ, इसमें कोई भी एरो नहीं दिखा रहे, मतलब आपका क्या हुआ,
ये आपका स्पीडोमीटर जो है गियर पोजीशन जो सेंसर है ये आपको प्रॉपर काम कर रहा है, जो सैस कर रहा है ना ये आपका प्रॉपर आपका इसमें स्पीडोमीटर के ऊपर काम करता है। सो दिस वाज द वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसके ऊपर कौन सा वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हूँ यहाँ पे, बाइक मैंने परचेज कर लिया तो बहुत सारे वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। सो इस वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।